एक मिनट रुको भैया, इस तरफ आ जाते हैं लाइट। हाँ इस तरफ, ऐसा क्या चीज चुका है जो इसके क्या इसने इसे जोर से लगाया होगा तो इसे दर्द। सवेरे 7:45 8 वर्षीय मासूम बच्ची दूध लेने के लिए अपने घर से निकली थी। वहाँ एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार आया, उससे स्कूल का एड्रेस पूछने लगा। उसने बता भी दिया, उसके बावजूद जबरन उसको अगवा करने का प्रयास किया, मोटरसाइकिल पर बिठाया और गली में निकलते चला गया। वहाँ बच्ची ने जब वहाँ विरोध करने का कोशिश की तो उसने कोई डिवाइस था उसके माध्यम से उसको लेफ्ट साइड चेस्ट में स्टैम्प किया, और उसके बाद भी बच्ची जब उसके काबू में नहीं आई तो पीछे भी स्टैम्प करने का प्रयास किया, जिससे बच्ची चोटिल हो चुकी, उसके आँख के पास भी चोट लगी है। और चूँकि बच्ची थोड़ी उससे बहादुरी दिखाई, समझदारी दिखाई और भाग करके वापस लौट आई, क्योंकि घर से ज़्यादा दूर का मामला नहीं था। इस बड़ा दर्दनाक मामला है, क्योंकि देखिए ये पूरा जो रोड है गोपालपुरा बाईपास, ये बिजी रोड्स की श्रेणी में आता है, और दिन दहाड़े यहाँ पर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। इस बात का सूचक है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। और आपने देखा कल गोपालपुरा बाईपास के पास दुर्गापुरा में भी बच्ची ने अगवा होने की अपनी बात पुलिस को बताई, उससे पहले विद्याधर नगर में भी हादसा हुआ ऐसा। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि पुलिस जो इस मामले को लेकर के गंभीर नहीं है, हम लोग ये दबाव बनाने से पूरी कह रही थी कि चोट के निशान ही पुराने, उस पुलिस को संवेदनशीलता दिखानी होगी। कोई भी सभ्य परिवार का व्यक्ति अपनी बच्ची के साथ किसी घटनाक्रम को किसी प्रकार से बनाकर भी पेश नहीं करता। ये तो एक ऐसा हादसा है दुर्भाग्यपूर्ण, जिसकी जाँच त्वरित होनी चाहिए। और हम अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि यदि 24 घंटे में उस अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि ये बात मासूम बच्चियों के सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर राजस्थान बहुत ज़्यादा कुख्यात हो चुका है। आपने देखा NCERB के डेटा में ट्रैफिकिंग जो है बच्चों के दूसरे नंबर पर है, दुष्कर्म के मामलों में, यौन उत्पीड़न के मामले में भी राजस्थान बहुत बड़ी खराब स्थिति में है। सारी घटनाओं को लेकर फिंगर्स में एक बच्ची ने कहा था कि मुझे अगवा करके लेकर दुर्गापुरा से, तो सारी घटना इस बात की सूचक है कि प्रदेश की सरकार और पुलिस ने बच्चियों और महिलाओं और जो सारे वल्नरेबल सेक्शन हैं उनको लेकर कोई चिंता नहीं है, उनके पर होने वाले अपराधों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। हम चाहते हैं कि उस अपराधी को पकड़ा जाए जल्द से जल्द, ताकि ऐसे हौसले जो बड़े हुए अपराधियों के उन पर अंकुश लग सके। देखिए प्रदेश में मासूम बच्चियों को अगवा करने की घटनाएं सरेआम हो रही हैं। आज राजधानी के गोपालपुरा बाईपास, जो सबसे बिजी रोड है राजधानी का, उससे 7:45 सवेरे एक मासूम बच्ची को अगवा करने का जो एक प्रयास हुआ, और उसके माध्यम से उस आदमी ने उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से स्टैम्प करके बेहोश करने का प्रयास किया, उसको उस बहादुर बच्ची ने विफल किया और अपने घर तक भागकर वो लौट आई। लेकिन विडंबना देखिए कि पुलिस प्रशासन उस दर्दनाक हादसे के प्रति कितना संवेदनहीन है, कि उन्होंने उस छोटी हुई बच्ची के लिए कहा कि पुरानी चोट है। आज स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के हमने दबाव बनाया, उसका परिणाम है कि पुलिस अब मेडिकल लीगल केस